आप गंदम का टेस्ट पसंद करते हैं, गंदम की रोटी खाना चाहते हैं, गंदम को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन क्या आप ग्लूटन से तंग हैं, ग्लूटन सेंसिटिविटी हो रही है? गंदम के अंदर कुछ लो क्वालिटी प्रोटीन भी मौजूद है जो कि कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट गंदम का पसंद है, आप बेटर क्वालिटी लेना चाहते हैं, ग्लूटन फ्री लेना चाहते हैं, तो उसके क्या ऑप्शंस हैं? उसका एक खूबसूरत ऑप्शन बकवीट। ये बकवीट ये सीरियल नहीं है, ये डाइकॉट क्रॉप है। अब इसको वीट बकवीट क्यों कहा जाता है? इसको कुछ लोग वाइल्ड वीट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इट टेस्ट्स लाइक वीट, है डाइकॉट। अब इसके अंदर प्रोटीन तो 13% ही है, कुछ वैरायटीज की 18% तक जाती है, यानी ऑलमोस्ट गंदम जितनी ही इसके अंदर वीट जितनी ही प्रोटीन है, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री है। और इसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, पहले तो प्रोटीन की बात करते हैं, तो वो प्रोटीन में जो डेफिसिट अमीनो एसिड है एसेंशियल वो भी मौजूद है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, बाकी मिनरल्स का भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स रूटन जैसे भी मौजूद हैं, और ये एक अच्छी क्रॉप है। प्रॉब्लम क्या है इसका? थोड़ी कदरे लो यील्डर है। कितनी लो यील्डर है? आप मैक्सिमम 12-13 मंथ ही एकड़ लेते हो, लेकिन अगर आप इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फाइन ट्यून कर लें, आप 20-22 मंथ तक भी जा सकते हैं। 20-22 मंथ तक अगर ये फसल आ जाए तो ये बेहतरीन फसल है। और ये कल्टीवेट कहाँ पे होती है? पाकिस्तान में सिर्फ स्कर्दों में होती थी, दुनिया में चाइना वगैरह में होती थी, रशिया में होती थी, लेकिन आप अल्टरनेट क्रॉप्स जो मेरी लैब वो काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप एक खूबसूरत क्रॉप के सामने खड़े हैं। और इसका सोइंग डेट अक्टूबर नवंबर है, और ये 3 महीने की फसल है, क्योंकि विंटर ज़्यादा आ जाता है इसलिए ये फरवरी में पकेगी। आप जनवरी में भी लगा दें, वो भी 3 माह में पक जाएगी। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ईजिली एडजस्ट हो सकती है, हमारे टेस्ट बर्ड को ये सेटिस्फाई करती है। गंदम के साथ मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा में भी लेके आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट क्रॉप, और इसको एक्लेमेटाइज कर लिया है हमने फैसलाबाद कंडीशन में। दिस इज़ बकवीट, ए न्यू क्रॉप, ए न्यू गिफ्ट फॉर दिस नेशन।